ईरान में इस्लामिक क्रांति की 40वीं वर्षगांठ बड़े हर्षों और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पूरे ईरान में भव्य रैलियां निकाली गईं। इस दौरान अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। ईरान के लोगों ने रैलियों में अपनी भव्य उपस्थिति में एक बार फिर इस्लामिक क्रांति की आकांक्षाओं के प्रति वचनबद्धता जताई और उज्जवल भविष्य की आशा के साथ एकता, एकजुटता और समरसता का उदाहरण पेश किया। ईरान के इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह हिल उज़्मा सैयद अली खामनेई ने कहा कि क्रांति में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं, मगर इस बार उतार चढ़ाव के साथ हमने प्रगति की है और ये इस क्रांति का चमत्कार है। इस्लामिक क्रांति की 40वीं वर्षगांठ मना रहे ईरान के लिए अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। रैलियों में जहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो वहीं अमेरिका में दुश्मनी लेने वाले ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ईरान की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। वहीं सीरिया में ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान को खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं।